हेलो एवरीवन, माय सेल्फ खुशाली कतेरिया। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अ गोल स्टैक प्लानिंग। गोल स्टैक प्लानिंग इज अ यूज फॉर यूज एज स्ट्रिपिंग द यूज अ लैंग्वेज एज अ स्ट्रिप लैंग्वेज। ओके, फॉर प्लानिंग वी यूज अ स्ट्रिप लैंग्वेज। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अ स्ट्रिप्स लैंग्वेज एंड एडीएल लैंग्वेज, दे बोथ आर यूज फॉर द प्लानिंग। ओके, हियर गोल स्टैक प्लानिंग इज यूज फॉर द स्टैक एंड होल्ड गोल एंड एक्शन टू सेटिस्फाई द गोल। वो क्या करता है, स्टैक करता है, होल्ड करता है। स्टैक इट मीन्स चार कंडीशन है हमारे पास, चार प्री कंडीशन है हमारे पास, पिक, पुट, स्टैक एंड अनस्टैक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोई एक टूल होगा जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक ब्लॉक को क्या करेंगे, ये टूल है हमारा, उसको हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। ओके, सपोज कि मैंने कोई एक्स ब्लॉक है, ओके, उसको मैंने क्या किया, होल्ड किया, तो उसकी कोई कंडीशन होगी। ओके, दैट मीन्स वो का या तो फिर पिक करेंगे या तो फिर स्टैक करेंगे। ओके, और बाद में क्या करना है, उसको पुट करना है या तो फिर अनस्टैक करना है। ओके, या तो फिर उसे रख देना है या तो फिर किसी के ऊपर रखना है। ओके, दैट मीन्स ये वाली जो कंडीशन है ये मैं नेक्स्ट जो है उसमें डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, तो आपको क्या करना है गोल स्टैक में आपके पास कोई एक टूल होगा, उस टूल की मदद से आपको इनिशियल स्टेज दिया गया होगा, उसमें से आपको क्या करना है, गोल स्टेज को आपको रीच करना है। अब यहाँ पर हम देखें तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल है हमारा कि एक्स है वो क्या है हमारा गोल स्टेट में वो नीचे है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्स को क्या करेंगे, ग्राउंड पे रखेंगे। उसके ऊपर क्या है, बी, तो हम बी को उसके ऊपर रखेंगे और बाद में हम वाई को उसके ऊपर रखेंगे, तो हमारा जो गोल स्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, हम रीच हो जाएंगे। ओके, सो दिस वन इज द इनिशियल स्टेज एंड दिस वन इज अवर गोल स्टेज। बट ये वाला जो प्लान करना है तो उसके लिए हमारे पास प्री कंडीशन, एक्शन एंड हमें जो रिक्वायरमेंट है वो हमें क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, वो हमें लिस्ट आउट करनी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ कंडीशंस, प्री कंडीशंस एंड एक्शंस लिखी हुई है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी टेबल टू टेबल, अगर हमारा जो ब्लॉक है वो कोई फ्लोर के ऊपर, टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, उसे पिकअप करना है। ओके, फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या है, फर्स्ट टेबल टू टेबल, अगर हमें टेबल के ऊपर से ही लेना है और टेबल के ऊपर ही रखना है तो हमें क्या करना है, पिकअप करना है। पिकअप इट मीन्स कि टेबल के ऊपर से ले लेना है उस ब्लॉक को। तो हमारी प्री कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमारा जो टूल है, इट मीन्स आर्म, ओके, आर्म क्या होना चाहिए, टूल हमारा एम्प्टी होना चाहिए, साथ में हमें जो कोई भी ब्लॉक है उसको लेना है तो वो ब्लॉक कहाँ पर होना चाहिए, एक्स पर होना चाहिए, सॉरी टेबल पर होना चाहिए, एक्स ऑन टेबल, दैट मीन्स एक्स टेबल के ऊपर है। और क्या कंडीशन है, एक्स वो क्लियर होना चाहिए, मतलब एक्स के ऊपर कोई भी अनदर ब्लॉक नहीं होना चाहिए, एक्स वाला जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। ओके, दिस इज अवर प्री कंडीशन एंड व्हाट वी वांट पिकअप, हम क्या करना चाहते हैं, पिकअप, उसको लेना चाहते हैं, ठीक है। तो उसकी एक्शन क्या होगी, अगर हम उसको लेंगे तो उसकी एक्शन क्या होगी, होल्डिंग, इट मीन्स हमारे आर्म में क्या आएगा, एक्स आएगा ना। ओके, सो हियर वी हैव एक्स एट अवर आर्म, सो हियर होल्डिंग, वी होल्डिंग द एक्स, ओके, होल्डिंग एनी ब्लॉक। वॉट इज अ पुट डाउन, पुट डाउन इट मीन्स कि हमें जो ब्लॉक हाथ में रखा हुआ है उसको क्या करना है, उसको हमें रख देना है, छोड़ देना है, कहाँ पर, टेबल के ऊपर। ओके, टेबल टू टेबल, टेबल से उठाएंगे तो पिकअप, टेबल पर रखना है तो क्या, पुट डाउन। ओके, सो व्हाट इज अ कंडीशन, कंडीशन प्री कंडीशन है हमारी कि हमारे पास वो जो ब्लॉक है वो क्या होना चाहिए, वो ब्लॉक होल्ड होना चाहिए। सपोज कि हमारा कोई एक्स ब्लॉक है, वो ब्लॉक क्या होगा, होल्डिंग कंडीशन में होगा। ओके, तो आफ्टर दैट होल्डिंग कंडीशन, अब हमने क्या किया, पुट डाउन कर दिया, इट मीन्स रख दिया, तो हमारी एक्शन क्या होगी, एक्शन होगी कि हमारा जो कोई भी टूल है वो क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, साथ में हमारा जो एक्स ब्लॉक है वो किसके ऊपर आ जाएगा, टेबल के ऊपर आ जाएगा, और एक्स क्या होगा, क्लियर होगा, दैट मीन्स वो एक्स क्लियर होगा, ठीक है। अब क्या है, ब्लॉक टू ब्लॉक, अब हमें क्या करना है, सपोज कि मैंने ये बात की थी वो टेबल के ऊपर से कोई एक ब्लॉक उठाने की बात की थी, बट अदर इफ वी हैव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन एक्स एंड वाई,
और हमें ये वाले ब्लॉक को पिक करना है, ओके। तो हम यहाँ पर पिक यूज नहीं करेंगे, अनस्टैक यूज करेंगे। क्या करेंगे? अनस्टैक। अनस्टैक इट मीन्स अनप्लेस्ड। अनप्लेस्ड इट मीन्स उसको वहां से रिमूव करना है। दैट मीन्स यहाँ पर अनस्टैक करने के लिए x एंड y, तो हमारी प्री कंडीशन क्या होनी चाहिए? प्री कंडीशन ये होनी चाहिए कि x है वो y के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अनस्टैक करना है तो हमारे पास दो ब्लॉक हो गए, x है वो y के ऊपर होना चाहिए, x है उसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, और आर्म है वो हमारा क्या होना चाहिए? एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। बाद में क्या करेंगे? तो बाद में उसको होल्ड करेंगे, तो ये वाली कंडीशन क्या आएगी? x है वो हमारा होल्ड पर आ जाएगा और y है वो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वन इज अनस्टैक एंड लास्ट वन इज स्टैक। स्टैक इट मीन्स जो हमारी होल्ड करे, होल्ड किया था ना, जो कोई एक ब्लॉक के ऊपर से हमने जो लिया था उसको हमें क्या करना है? स्टैक करना है, किसी और ब्लॉक के ऊपर रखना है। हमारे ऑलरेडी आर्म में एग्स है, उसे हमें क्या करना है? सॉरी, वाई यहाँ पर है, ऑलरेडी हमारे पास एग्स है हमारे आर्म में, उसे क्या करना है? उसके ऊपर रखना है, ओके, ब्लॉक के ऊपर रखना है। तो क्या करेंगे? स्टैक करेंगे, ओके। तो हमारी प्री कंडीशन क्या होनी चाहिए? प्री कंडीशन है हमारी, वो है होल्डिंग, होल्डिंग एग्स, आर्म्स में होल्ड किया होगा, होना चाहिए। और उसकी एक्शन क्या होगी? अगर हम वहां पर रख देंगे, स्टैक कर देंगे, उसके ऊपर फिक्स कर देंगे, ओके, तो क्या होगा? एक्स ऑन वाई, एक्स क्या होगा? वाई के ऊपर होगा, एक्स है वो क्लियर होगा, एंड आर्म क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी चार कंडीशन है यहाँ पर ब्लॉक एक्स वाई बी को इस सीक्वेंस में सेट करने के लिए, क्योंकि ये हमारा इनिशियल स्टेज है, ये हमारा गोल स्टेज है। अगर हमें एक्स को ग्राउंड पर, वाई को, बी को उसके ऊपर और वाई को उसके ऊपर रखना है, तो हमें ये कंडीशन फॉलो करनी है। फर्स्ट कंडीशन इज अ पिकअप, पिकअप फ्रॉम द टेबल, पुट डाउन, पुट डाउन इट मीन्स पुट डाउन ऑन द टेबल, अनस्टैक इट मीन्स अनप्लेस्ड और पिक फ्रॉम द ब्लॉक, ओके, ब्लॉक के ऊपर से आपको उसको उठाना है, और स्टैक ऑन ब्लॉक, ओके, उसको कोई एक फिक्स प्लेस पर आपको ब्लॉक के ऊपर रखना है, तब आपको क्या करना है? स्टैक करना है। स्टैक एंड अनस्टैक, अनस्टैक इट मीन्स ब्लॉक के ऊपर से लेना है, होल्ड करना है, और स्टैक मीन्स ब्लॉक के ऊपर रखना है। तो ये वाली हमारी कंडीशन है। सो हम यहाँ पर एक जो हमारा गोल स्टेज है, गोल स्टेज क्या है हमारा? वाई बी एक्स, एंड हमारा इनिशियल स्टेज एक्स वाई एंड बी, बी हमारा ऐसे है, ओके। तब हमें क्या करना है? हमारा इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज है ये वाला एक्स वाई एंड बी, ओके, और हमें चाहिए ये वाला स्टैक, सॉरी ये वाला गोल नोड, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर हमारी पहली कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन है एक्स हमें कहाँ चाहिए? फ्लोर के ऊपर चाहिए, और एक्स कहाँ पर है? यहाँ पर। तो हम कौन सा वाला रूल यूज करेंगे? अनस्टैक वाला। अनस्टैक दैट मीन्स कि यहाँ पर मैंने किया हुआ है कि अनस्टैक एक्स कॉमा वाई, दैट मीन्स कि कोई एक ब्लॉक को, कोई एक ब्लॉक के ऊपर से क्या करना है? उठाना है। तो हम यहाँ पर अनस्टैक करेंगे किसको? एक्स को, एक्स को वाई के ऊपर से उठाना है ना, एक्स को वाई के ऊपर से उठाना है, एक्स अनस्टैक वाई, ओके। तो हम क्या करेंगे? एक्स को वाई के ऊपर से उठाएंगे, दैट मीन्स आर्म्स के होल्ड में है ना एक्स, तो हमारा केबी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है वो क्या बनेगा? वो कुछ इस तरह बनेगा। इसका आउटपुट लिखना है कि ऑन टेबल, ऑन टेबल वाई, ऑन टेबल बी, एंड होल्डिंग होल्ड एक्स, ओके। दिस वन अवर नॉलेज बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, ओके। गोल स्टैक प्लानिंग में आपको ये वाला खास लिखना है, आपको कौन सा रूल यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स हम अनस्टैक कर रहे हैं, अनस्टैक का हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है, और उसका नॉलेज बेस्ड क्या है वो आपको लिखना है ऐसे, ठीक है। आफ्टर दैट आपको क्या करेंगे? आपको वो जो होल्ड किया था ना, उसे हमें कहाँ रखना है? उसे हम यहाँ पर नीचे रख देंगे टेबल के ऊपर। तो उसका नॉलेज बेस्ड क्या बनेगा? उसका नॉलेज बेस्ड बनेगा ऑन टेबल वाई, ऑन टेबल बी, एंड ऑन टेबल एक्स, ओके। नाउ
दिस वन इज, पहले हमने क्या किया, एक्स को लिया, एक्स को पिक किया, सॉरी अनस्टेक किया, अनस्टेक करके हमने क्या किया, उसको ग्राउंड पे, ग्राउंड के ऊपर रख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमारी कंडीशन ये वाली है, अब हमें क्या करना है, बी चाहिए एक्स के ऊपर। ओके, तो हम क्या करेंगे, टेबल के ऊपर से उठाएंगे, दैट मीन्स पिक अप। ओके, पिक अप, पिक अप क्या है, टेबल टू टेबल, टेबल के ऊपर से उठाना है, तो हम क्या करेंगे, पिक अप। तो हमारा बी जो है उसे हम क्या करेंगे, होल्ड रखेंगे, दैट मीन्स हमारा नॉलेज क्या बनेगा, ऑन टेबल वाई, ऑन टेबल एक्स, और होल्ड क्या है, बी। ओके, अब हमें क्या करना है, बी को एक्स के ऊपर रखना है, बी को एक्स ऊपर रखना है, दैट मीन्स स्टैक करना है, उसे ब्लॉक के ऊपर रखना है, तो हम क्या यूज करेंगे, स्टैक बी। ओके, तो हमारा नॉलेज ऑन टेबल वाई। ओके, अब क्या है, बी है वो किसके ऊपर है, एक्स के ऊपर, बी ऑन एक्स, बी ऑन एक्स, उसे ऐसे पढ़ा जाता है, बी ऑन एक्स, बी ऑन एक्स। ओके, एंड एक्स कहां पर है, ऑन टेबल। ओके, अब हमें क्या करना है, वाई को पिक करना है, वाई को होल्ड करेंगे, क्यों, क्योंकि उसे इसके ऊपर रखना है, वाई को इसके ऊपर रखना है, तो हम क्या करेंगे, के बी लिखेंगे, ऑन टेबल एक्स, ऑन बी कॉमा एक्स, एंड होल्ड वाई। ओके, और लास्ट हमारा जो है उसको क्या करेंगे, ऑन टेबल एक्स, ऑन बी कॉमा एक्स, एंड ऑन वाई कॉमा बी। वाई है वो को किसके ऊपर है, बी के ऊपर है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ आपको क्या लिखना है, यहां पर जो जिसके ऊपर नहीं है उसके साथ हमें अब आपको क्या करना है, क्लियर, क्लियर वाई। यहां पर क्लियर कौन है, बी है, मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं है, तो आपको क्या लिख देना है, क्लियर बी। यहां पर भी क्लियर वाई एंड क्लियर बी, तो यहां पर क्लियर वाई एंड क्लियर एक्स। ओके, यहां पर आपको तीनों के तीनों क्या है, क्लियर है, मैं जगह नहीं है इसलिए एक्स वाई एंड बी लिख रही हूँ, बट आपको क्लियर एक्स, क्लियर वाई एंड क्लियर बी ऐसे लिखना है, ठीक है। और यहां पर आपको क्लियर वाई एंड क्लियर बी ऐसे लिखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनिशियल फेज लेना है, इनिशियल फेज में आपको जो कोई भी, अगर आपको अनस्टैक, दैट मीन्स ब्लॉक के ऊपर से आपको कोई ब्लॉक लेना है तो अनस्टैक करेंगे, अगर आपको टेबल के ऊपर से लेना है तो आप पिकअप करेंगे। ओके, अगर आपको ब्लॉक के ऊपर रखना है तो आप स्टैक करेंगे, अगर आपको टेबल के ऊपर रखना है तो आपको पुट करना होगा, और साथ में साथ आपको उसका स्टेटस है वो एज अ नॉलेज बेस्ड, उसको आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ओके, आपको ये नहीं, ये भूलना नहीं है कि क्लियर आपको लिखना भूलना नहीं है। सपोज के वाई एंड बी आपने लिख दिया, ऑन टेबल वाई, ऑन टेबल बी, एंड होल्ड एक्स। ओके, तो साथ में आपको ये भी लिखना है कि वाई के ऊपर कुछ नहीं है और बी के ऊपर भी कुछ नहीं है, ठीक है। ये वाली कंडीशन है, आपको क्या करनी है, लिखनी है, देन इट इज अ गोल स्टैक प्लानिंग यूजिंग अ स्ट्रिप लैंग्वेज। ओके, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ द गोल स्टैक प्लानिंग फॉर द ब्लॉक वर्ड प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।